बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक फिट फाट? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक हैं। ताबाज यूनिट ट्रेजर वर्ल्ड में खुश आमदीद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताबाज यूनिट ट्रेजर वर्ल्ड। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्ती दानेदार रेशेदार शाही हलीम और देगी हलीम की रेसिपी बताने लगी हूँ, शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन और बहुत ही जल्दी और इजीली बनके तैयार होती है। तो इसके लिए मैंने दलिया ले लिया था, ये जो है तकरीबन 2 कप 1.5 कप भर के हैं। 1.5 कप दलिया है, 1.5 कप गेहूँ है, गंदुम है, और 1/2 कप चने की दाल है, 1/2 कप मूंग की दाल मसूर की दाल है, 1/2 कप माश की दाल है, 1/2 कप मसूर की दाल है। तो ये चारों दालें हैं, दलिया गेहूँ और गंदुम है, सही है। ये चीज़ें मैंने ले ली थी, यानी कि ये तकरीबन 6-7 चीज़ें ले ली थी, और चावल भी साथ में शामिल किया था, वो भी 1/2 कप ले लिया था मैंने। बस हमारे पास दलिया की और गंदम की मकदार ज़्यादा थी, और गोश्त मैंने जो बड़े बड़े पीसेस लिए थे इसके लिए, क्योंकि मुझे रेशेदार बनाना है तो रेशेदार के लिए बड़े बड़े पीसेस लेने हैं, तो बड़े बड़े पीसेस मैंने ले लिए थे, पहले से अलग से करवा के रख लिए थे बड़े बड़े पीसेस हलीम के लिए। सब भिगो दिए मैंने, गंदम गेहूँ और चने की दाल अलग भिगोई है मैंने, को मैं अलग गलाऊँगी एक साथ, और दलिया को अलग भिगोया है मैंने। तो सबको जो है 1-1, 2-2 घंटे के लिए भिगो देना है, और साथ में जो है ये भी भिगो लिया था मैंने, दलिया और दालें भी तमाम चीज़ें भिगो ली हैं मैंने, चावल भिगो लिया है, तमाम चीज़ों को 2 से 3 घंटे तक भिगोए रखना है। और प्याज मैंने कट कर ली है, मुख्तलिफ जो है टाइम पर ये ऐड होंगी प्याज, तो मुख्तलिफ प्लेट में अलग अलग कट करके रख ली हैं, कुछ ब्राउन होंगी, कुछ जो तड़का लगेगा। तो अब मैंने कुकर में जो है जो ऑयल ले लिया था, 3 टेबलस्पून भर के ऑयल लिया था प्याज, क्योंकि ज़्यादा है इसलिए। तो प्याज को मैं जो है ब्राउन कर लूँगी, और ब्राउन करके इस प्याज को जो है मैं बाहर निकाल लूँगी। ब्राउन करने के बाद जो है लाइट ब्राउन करना है, कुरकुरा सा कर लेना है इसको, ज़्यादा जलाना भी नहीं है और कच्चा भी नहीं रखना है। कुरकुरी प्याज निकाल के इसको बाहर निकाल लेना है, जिस तरह कौरमे में ब्राउन प्याज बाहर निकाल लेते हैं फ्राई करके, उस तरह से हमें निकाल लेना है इसको। ब्राउन हो गई थी इसे हम बाहर निकाल लेंगे, इस प्याज को अलग से ब्राउन करके बाहर निकाल लेना है। तो प्याज मैंने बाहर निकाली थी प्लेट में, कुरकुरी हो गई थी, सही है। अलग से मैं दोबारा प्याज डालूंगी, ये भी 3 से 5 जो है 5 अदद प्याज है दरमियानी साइज़ की। तो इसको हमें सिर्फ सौते करना है, नरम करना है, सिर्फ नरम करने की हद तक इसको कुक करना है प्याज को, हमें ना डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन कोई कलर नहीं देना, सिर्फ कुक करना है कि नरम हो जाए प्याज। प्याज नरम हो चुकी है, जिसमें हमने गोश्त का पीस शामिल कर दिया है, 1 बाय 1 करके शामिल करूंगी। बड़े बड़े पीसेस हैं, इसको जो है फ्राई करने में टाइम लगेगा और मुश्किल हो जाएगी, एक साथ सारा शामिल कर दूंगी। तो 1 बाय 1 शामिल करती जा रही थी इसको, फ्राई करती जा रही थी। तो ये जो प्रिपरेशन हो रही है हमारे कौरमे की हो रही है, हलीम का जो कौरमा तैयार है उसकी प्रिपरेशन कर रही है, जब तक हमारा जो है दाने दलिया गंदम गेहूँ जो है वो हमारा जो है सोख हो रहा है। सोख होने के लिए रख दिया है इसको, सही है, भिगो के रख दिया है। और एक एक करके मैं इस तरह गोश्त शामिल करती जा रही थी और उसको फ्राई करती जा रही थी, इस तरह से इजीली जो है फ्राई हो जाएगा। कुकर का हमारा इतना ही बड़ा साइज था, मुझे कुकर में ही को सब कुछ करना था, तो कुकर में ही सारी काम मैं कर रही थी आराम आराम से, ताकि इसी में आराम से इजीली हो जाए। उसको फ्राई कर लिया था, जिसमें लहसुन अदरक का 3 टेबल स्पून पेस्ट डाल दिया है, 3 टेबल स्पून, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैदान में मैंने लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे रेशा चाहिए था हलीम के अंदर, तो बहुत ज़्यादा रेशे के लिए मैंने जो है 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था। और हरी मिर्चों का पेस्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने 2 टेबल स्पून भर के हरी मिर्चों का पेस्ट डाला था। हरी मिर्चों का पेस्ट ज़रूर डालेगा, बहुत बेहतरीन किस्म का टेस्ट आता है, बहुत लाजवाब टेस्ट आता है हरी मिर्चों से। तो बस मैंने हरी मिर्चें डाली, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, कुछ अच्छी तरह से भुनाई कर लेना है कि गोश्त का पानी बिल्कुल और इन चीज़ों का पानी बिल्कुल ना रहे, खुश्क हो जाए। उस तरह से भुनाई करते रहेंगे हम तमाम गोश्त के साथ, लहसुन अदरक की और हरी मिर्चों की। तो ये मैंने लिया था हलीम
मसाला, शान काली मसाला आप किसी का भी ले सकते हैं, नेशनल हो, मेहरान हो, तो आप किसी चीज़ ब्रांड का भी ले सकते हैं। मैंने शान का लिया था हली मसाला, और ये मैं डेढ़ साशे डालूंगी, एक साशे से काम नहीं चलेगा, तो मैं डेढ़ साशे डालूंगी, एक और आधा, तो बस ही मैंने साशे डाल दिया था। और कुछ अपने मसाले भी शामिल करूँगी, सिर्फ इसी से काम नहीं चलने वाला है, तो अपने मसाले भी बताऊँगी ताकि लाजवाब बेहतरीन किस्म का टेस्ट आए। मिक्स कर लिया था, इस तरीके से मिक्स कर लेना है इसको। और कुछ मसाले हैं जो मैं शामिल करने लगी हूँ, तो वो भी आप साथ साथ पूरा पूरा वॉश कीजिए, स्किप मत कीजिएगा। मैंने धनिया पाउडर ले लिया था 2 टेबल स्पून भर के, धनिया पाउडर चाहिए, धनिया पाउडर ले लेंगे 2 टेबल स्पून भर के, इसमें शामिल कर देंगे। और साथ में जो है इसके अंदर मैं शामिल करूँगी रेड चिली पाउडर, और साथ में ही जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर भी, शायद मैंने दिखा नहीं पाई हूँ, देख लीजिएगा इसको। ब्लैक पेपर पाउडर भी शामिल किया था इसके अंदर मैंने, अच्छा जायका आ जाता है, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी थी। तमाम मसालों को अच्छी तरह से गोश्त के साथ अच्छी तरीके से भून लेना है, अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। कच्चापन खत्म कर लेंगे, बाद पानी शामिल कर देंगे जितना में पानी रिक्वायर्ड है। पानी जो है बेकर डालना है ध्यान से कुकर में, कि ये जो 3 डॉट होते हैं, 3 स्क्रू होते हैं, इसके ऊपर ना आए, इसके ऊपर आएगा तो आपका कुकर ब्लास्ट होने का डर होता है। अगर आप चाहते हैं आपको कुकर में ब्लास्ट ना हो, तो इतना ये डॉट का निशान का जो है एहतियात कीजिए, इसके ऊपर ज़्यादा पानी मत लाइए, इसे नीचे तक पानी रहेगा तो सही है, वरना फिर कुकर ब्लास्ट होने का डर होता है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको आप ध्यान में रखते हुए कुकिंग करेंगे तो इजीली और कंफर्ट होकर आप इजीली कुकिंग कर लेंगे इंशाल्लाह। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए तमाम काम को सर अंजाम दीजिए। अब इसको मैं ढक के रख दूँगी गलने के लिए, फिर आपको गलने से पहले मैं तमाम ऑयल जो है इस पॉइंट पर मैं निकाल लूँगी, यही ऑयल बाद में सर्विंग के दौरान काम आएगा। तो क्योंकि अभी इस पॉइंट पर ऑयल ऊपर आ चुका है, तो ये तमाम ऑयल आराम से ईजिली निकल जाएगा सर्विंग के दौरान गार्निशिंग के लिए। तो एक तरफ हमारा कुकर में गोश्त गल रहा था, तो दालें भिगोई हुई थी, वो फूल चुकी थी, भिगो चुकी थी, सही है। और मैं चावल, दालें और माँस, मूंग, मसूर की दाल, तीनों दालें और चावल है, इसको मैं गलाने के लिए अलग से चीली पर रख दूँगी। एक तरफ हमारा गोश्त गल रहा है, दूसरी तरफ हमारी दालें गल रही हैं। गोश्त को इतना गलाना है कि उसका रेशा अलग हो जाए, इसे ज़्यादा भी नहीं गलाना है कि कबाब बन जाए, उसके बस रेशा अलग होना चाहिए, इतना हमें गलाना है। तो उसको मुझे गलाने के लिए तकरीबन लगा था 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटे में ही हमारा गोश्त गल गया था, क्योंकि आँच का प्रॉब्लम था, वरना ये 1 घंटे में भी ये हो सकता था आराम से, मगर 1.5 घंटा इसलिए लगा क्योंकि आँच की प्रॉब्लम है, वरना ये 45 मिनट में भी गोश्त गल जाता कुकर के अंदर, प्रेशर कुकर में। अब ये जो है हमारा गोश्त गल चुका था, इसको हमने रेशे कर लेना है। तो पहले रेशा करने से पहले हम जो थोड़ा पानी ऑयल बचा है इसी के साथ हमने दही थी, दही में जो है ब्राउन कलर की प्याज निकाली थी, प्याज में डालकर उसका पेस्ट बना लेंगे, बारीक से, ज़्यादा बारीक सा भी नहीं बनाएंगे, बस जो है दरदरा सा होगा, यानी कि रफली सा हमारे पेस्ट तैयार हो जाएगा दही के साथ, और बहुत ही ज़बरदस्त पेस्ट तैयार होगा उस, और इस पेस्ट को हम शामिल करेंगे अपने गोश्त के कौरमे में, और इसको अच्छी तरह से भुनाई कर लेना है कि दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। कौरमे में शामिल करने के बाद दही और प्याज की पेस्ट अच्छी तरीके से भुनाई कर लेना है कि हमारे अच्छी तरह से दही इसमें भुन जाए, सही है। अब ये जो है एक तरफ मैंने उसी कुकर में जो है अलग से इसमें जो है गेहूं, गंदम और चने की दाल भी गलने के लिए रख दी है। अब ये भी जो है आधे घंटे में या फिर 1 घंटे में ये तकरीबन गल जाएगी बिल्कुल। तो इसको गला लेना है कुकर के अंदर, और जो कौरमे का मसाला था वो मैंने शामिल शेप कर दिया था एक खुले मुँह की पतीली में, और ये देखें गल चुका है। और दूसरे दलिया चढ़ा दिया था मैंने, दलिया भी हमारा गल रहा था, दलिया भी जो है 1 घंटे के अंदर गला है, कोई 1 घंटा लगा है गलने में। तो ये दाल चावल जो हमने चढ़ाया था एक तरह से खिचड़ी टाइप का, तो ये भी हमारा गल गया, अच्छी तरीके से मैशर से मैश कर लेंगे। इसको हमें जो है ग्राइंडर में पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, पेस्ट ऑलरेडी पेस्ट बन चुका है, इतना गला लिया है कि पेस्ट बन चुका है, और दलिया भी हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है, देखें बिल्कुल फाइन सा बिल्कुल पेस्ट बन चुका है। बस हमें गंदम, गेहूं, चने की दाल को थोड़ा सा पीसना था, वो मैंने पीस लिया था। तो इसको मैंने शिफ्ट कर लिया एक बहुत ही बड़ी पतीली में, उसके अंदर जो है सबसे पहले दलिया शामिल किया, दलिया में जो है दालें और चावल जो गलाए थे वो शामिल किए, इसमें हल्दी डाली हुई थी मैंने दालों में,
तो हल्दी जैसे पीला हो गया है, तो अब इसके अंदर जो है पीसा हुआ मैं शामिल करूँगी गंदम, गेहूँ और चने की दाल जो मैंने ग्राइंडर में जो पेस्ट बना लिया था। तो पेस्ट बनाना ज़रूरी है, बहुत मोटे मोटे होते हैं, बनने में मुश्किल होती है, तो इतना मोटा भी नहीं होना चाहिए। पेस्ट बना लिया था ग्राइंडर में, थोड़ा पानी थोड़ा पानी शामिल करके गलाती गई और ग्राइंडर में इसको बिल्कुल पेस्ट बना लिया है। इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से, तमाम चीज़ों को यकजान कर लेना है, इतना मिक्स करना है आपको, तो सब मिक्स हो जाए, यकजान हो जाए। और अब इसमें शामिल करने की बारी आई है कोरमा, हमारा गोश्त कोरमे का मसाला है, वो तमाम का तमाम चला जाएगा। और इसके अंदर जो हमने रेशा कर लिया था गोश्त का, वो रेशा इसके अंदर चला जाएगा, तो गोश्त के रेशे को भी शामिल कर लेंगे साथ में। बड़े बड़े रेशे इस तरह निकले हैं बड़े बड़े पीसेस डालने की वजह से। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया था, गोश्त दालों को दलिए को सबको मिक्स करने के बाद इसमें मैं पुदीना जो है पेस्ट डाला था, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आया था हलीम के अंदर। और चिकन पाउडर और नमक थोड़ा सा और शामिल कर दिया था मैंने, तो चिकन पाउडर डाला है 3-4 टेबल स्पून चिकन पाउडर है, और धनिया पुदीना का पेस्ट 4 टेबल स्पून, दोनों 4 टेबल स्पून डाला था, और नमक हसबे जायका डाल दिया था। बिल्कुल चीज़ें मिक्स कर लेना है। और अब इसका टाइम आता है घुटाई का, घुटाई का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि तमाम गोश्त का अच्छी तरीके से उसमें रेशा रेशा हो जाए, रेशा रेशा निकला है, रेशेदार हलीम तैयार हो हमारी। तो इसकी घुटाई का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, आधे घंटे से लेके 45 मिनट तक इसी घुटाई का काम करना है। जितना इसको आप अच्छा टाइम देंगे उतनी अच्छी आपकी हलीम बनेगी। तो पेशेंट सब्र से करने वाले काम होता है हलीम, तो हलीम की जितना अच्छा आपको टेस्ट चाहिए तो आप पेशेंट और सब्र से काम लें और अच्छे तरीके से इसको बनाएं। और थोड़ा रुक के अगर थक जाते हैं तो आराम आराम से काम करें, और मगर घोटाई में अंजूसी ना करें। तो घोटाई का काम हमारा हो चुका था सही है, तो मुझे लगा था आधे घंटे से ऊपर का टाइम लग गया था घोटाई करते करते। और अब मैं जो प्याज फ्राई कर रही हूँ उसके तड़के के लिए, तड़के से पहले प्याज फ्राई करके निकाल लूँगी थोड़ा सा बाहर, क्योंकि हमें गार्निशिंग के दौरान काम आएगी प्याज, तो ब्राउन करके जो है बाहर निकाल लूँगी गार्निशिंग के लिए। इसके बाद तड़के की तैयारी करूँगी, तो ये देखिए तड़के की तैयारी भी कर रही हूँ, गार्निशिंग के लिए निकाल चुकी थी मैं, और ये हलीम हमारी रेडी हो रही है। साथ में ये तड़का इसमें लगाऊंगी मैं ब्राउन प्याज का तड़का, बहुत ज़बरदस्त लाजवाब, थोड़ा सा पुदीना इसमें डाल लेता, पुदीने को भी अच्छी आ जाती है। तो आँच बंद करने के बाद पुदीना डाला है, ये ना हो कि पुदीना जल जाए, जला हो पुदीने में अच्छा नहीं लगेगा। तो आँच बंद कर दिया था, उसके बाद पुदीना गर्म तेल में डाल के उसका तड़का लगा दिया, बहुत ज़बरदस्त लाजवाब सा हमारा हलीम बन के रेडी है, रेडी टू सर्व है। अब आपको सर्व करके दिखाती हूँ बाउल में। और मैंने जो पुदीना और प्याज और नींबू जो है गार्निशिंग के लिए रख दिया है अलग से प्लेट में, अभी को सर्व कर रही हूँ, बहुत ही लाजवाब बेहतरीन किस्म की हमारी हलीम बन के रेडी हो गई है। तो ये वही ऑयल है जो गोश्त गलने से पहले हमने इसको निकाल लिया था, पानी डालने के बाद ऑयल ऊपर आ गया था, तो वही ऑयल हमने निकाल लिया। अब ये गार्निशिंग के दौरान काम आ जाता है, तो अच्छा लगता है लुक वाइज भी और जायके वाइज भी अच्छा हो जाता है, इसका जायका अच्छा आता है। तो इस टाइम डालने पर इसको इस तरह डाल लेंगे। से गार्निश कर लेंगे पुदीना ब्राउन प्याज और लेमन से, और ये हमारा रेडी है। और इस तरीके से आप भी बनाइए और खिलाइए घर वालों को, खाइए खिलाइए, एंजॉय कीजिए, एंजॉय करवाइए, जहाँ रहिए खुश रहिए आबाद रहिए, अल्लाह पाक हर उस जगह से आपको जो खुशियाँ और नेमतें अता करे जहाँ से आपका गुमान भी ना हो। आमीन, अल्लाह हाफिज़।